लोकसभा चुनाव नजदीक है, राजधानी में आंदोलन का मुद्दा गर्म हो उठा है और पीएम मोदी इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को 2 दिवसीय यात्रा के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे, जहां की झलक सामने आई है। यूएई पहुंचने पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने एहलान मोदी कार्यक्रम में लगभग 65,000 भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद पीएम मोदी ने कई सारी बाइलेटरल मीटिंग्स की। पीएम मोदी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को अटेंड किया। प्राइम मिनिस्टर ने इस ग्लोबल समिट को एड्रेस करते हुए स्पीच दिया। इस निमंत्रण और गर्म जोशी से भरे स्वागत के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अपने ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का भी आभार व्यक्त करता हूं। हाल के दिनों में मुझे उनसे कई बार मिलने का मौका मिला है। वो सिर्फ लीडर ऑफ विजन ही नहीं है, बल्कि लीडर ऑफ रिजॉल्व और लीडर ऑफ कमिटमेंट भी है। वहाँ मौजूद सभी लोगों का अभिवादन करते हुए भाषण की शुरुआत की और यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ग्लोबल लेवल पर होने वाले तमाम चैलेंजेस पर बात की, जिसमें क्लाइमेट से लेकर आतंकवाद के मुद्दे को उठाया और फिर वन नेशन वन अर्थ का मैसेज देते हुए अपनी स्पीच पूरी। ईज ऑफ इनोवेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनी प्राथमिकता बनाकर चले। फ्रेंड्स, हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर लगातार काम करते हुए मुझे 23 साल होने जा रहे हैं। मैंने 13 साल भारत के एक बड़े स्टेट गुजरात की सरकार में रहते हुए लोगों की सेवा की है और अब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट में देशवासियों की सेवा करते हुए 10 साल होने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए। इस बार पीएम मोदी का इंटरनेशनल विजिट इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन के साथ साथ एक और वजह से हेडलाइंस में। दरअसल अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है और इस मंदिर के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी चर्चा में हैं। अबू धाबी में मंदिर उद्घाटन को लेकर वहां के प्रवासियों के साथ साथ इंडियन म्यूजिशियन शंकर महादेवन एंड एक्टर दिलीप जोशी ने अपनी खुशी जाहिर की। पीएम मोदी का ये अंतर्राष्ट्रीय दौरा इसलिए भी चर्चे में है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और पीएम मोदी के यूएई में दिए गए स्पीच और अबू धाबी में मंदिर उद्घाटन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह के तमाम नेशनल इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।